खबरें फटाफट में नजर डालेंगे प्रदेश की ताजा अपडेट पर। जिला चंबा के हरसर भरमा और मार्ग पर गहरे नाले में गिरी बोलेरो, दो लोगों की मौके पर ही मौत, एक घायल। मंडी के सुंदरनगर पुलिस की टीम ने आभूषण चोरी मामले में 11 लोग किए गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे। कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईटीआई भवन गंगत और ताराखड पर बने पुल का किया उद्घाटन, कई सड़कों का किया शिलान्यास। हमीरपुर जिला के टौणी देवी क्षेत्र के 5 गांव में उल्टी दस्त की चपेट में आए 300 से ज्यादा मरीज, 15 मरीज अस्पताल में एडमिट, विभाग ने भरे पानी के सैंपल। वादा किया वादा निभाया, 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू, सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू, दूध पर MSP देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य, गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सिरमौर के माजरा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी के एस्ट्रोफ टफर मैदान का वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण, अब इस मैदान में खिलाड़ियों का निखरेगा हुनर। मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री के साथ एक भी विधायक नहीं, CM से मांगा इस्तीफा। कांगड़ा जिला में भनेई से लेकर जवाली तक मार्ग को खुला करने का काम जोरों पर, पीला पंजा चलते देख दुकानदारों ने खुद ही तोड़ दिए छज्जे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के सरस मेले में पहाड़ी शहद की खूब हो रही सेल, अन्य विभिन्न उत्पादों की भी भारी डिमांड। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर उपमंडल के टिहरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरे की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद, वादे निभाए हैं वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। कांगड़ा जिला के थुरल में ट्रैफिक जाम में आधा घंटा रेंगती रही गाड़ियां, बाजार में 6 महीने से ट्रैफिक लाइट खराब, चालक लोग परेशान। NIT हमीरपुर से पास आउट हुए 2 छात्रों ने दृष्टिहीनों के लिए तैयार किया अनोखा डिवाइस, दृष्टिहीन लोग अब जो सुनेंगे उसे देख भी पाएंगे। उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में वरिष्ठ नागरिकों और डिसेबल्स के लिए न्यू रैंप का उद्घाटन, वरिष्ठ नागरिकों और डिसेबल्स लोगों को नहीं आएगी दिक्कत। NSUI की बिलासपुर इकाई ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे, उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। कुल्लू में युवाओं को SP डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने दिए सफलता के टिप्स, सकारात्मक सोच व आत्मविश्वास को बताया जरूरी। धर्मशाला SP के वार्ड नंबर 13 दाड़ी में मेला मैदान में शौचालय लीक, बदबू से अब संक्रमण फैलने का खतरा। खबरें फटाफट में इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल TV के साथ।